सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी कंपनी सही है। हर इन्वेस्टर को अपने हिसाब से इन्वेस्ट करने के लिए अपने रूल्स बनाने चाहिए। हर इन्वेस्टर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये रूल्स बना सकता है। आइए हम देखते हैं कि एक स्टॉक चुनने के लिए हम शुरुआत कहाँ से करें। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, गेट एक्सेस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ टिप्स, जिसकी मदद से आप एक अच्छा स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए चेकलिस्ट बनाने से पहले कुछ जरूरी बातों पर ध्यान दें। स्टॉक चुनने की प्रक्रिया की शुरुआत के तौर पर हमें सबसे पहले कुछ ऐसे शेयर खोजने चाहिए जो हमारी चेकलिस्ट की शर्तों को पूरा करते हो। अगर वे शर्तें पूरे करते हो तो हमें उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर वो शर्तें पूरा नहीं करते हैं तो हमें दूसरे शेयरों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल ये है कि हम वे स्टॉक कैसे चुने जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो हमें पसंद आ रहे हैं और वो हमारी चेकलिस्ट की शर्तों को पूरा कर रहे हैं। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं, तो चलते हमारे टिप्स पर। बात करते हैं टिप नंबर 1 की, जनरल ऑब्जर्वेशन यानी कि आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखना। सुनने में तो ये बहुत ही असाधारण बात लगेगी, लेकिन स्टॉक चुनने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। आपको सिर्फ अपने आसपास हो रही इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर नजर रखना है। देखें कि लोग क्या खरीद रहे हैं और क्या बेच रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स की मांग ज्यादा है, आपके पड़ोस में लोग किन प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अमेरिकी शेयर मार्केट के बहुत ही जाने माने इन्वेस्टर पीटर लिंच ने अपनी किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट में इस तरीके की चर्चा की है। आगे बात करते हैं टिप नंबर 2 की, आप स्टॉक स्क्रीनर का यूज कर सकते हैं। इसे आप एक ऐसी छननी के तौर पर मान सकते हैं जिससे आप बहुत सारे स्टॉक्स में से अच्छे स्टॉक्स निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि स्टॉक चुनने के लिए ऐसी प्रक्रिया बनाना जिसको आप खुद डिसाइड करेंगे। इसके जरिए आप अच्छी क्वालिटी के शेयर चुन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एक ऐसा स्क्रीनर बना सकते हैं जिसमें आपने शर्तें रखी हो कि शेयर का ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 25% हो और PAT यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20% से कम ना हो। इस तरीके से आप बहुत सारे स्टॉक्स में से अच्छे स्टॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे स्टॉक्स स्क्रीनर ऑनलाइन मौजूद हैं, लेकिन मैं तो गूगल फाइनेंस का स्टॉक स्क्रीनर और screener.in का पसंद करता हूँ। आगे बात करते हैं टिप नंबर 3 की, आप इकोनॉमी के सिग्नल को ध्यान से समझें। जी हाँ, अच्छे स्टॉक चुनने का एक और बेहतरीन तरीका है कि आप इकोनॉमी के हालात पर नजर रखें। आप इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप देखेंगे कि इन दिनों भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। नए नए पुल, सड़कें और ऐसी तमाम चीजें बनाई जा रही है। देश में काम कर रही सीमेंट कंपनियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा, इसलिए मैं ऐसी कंपनियों को सिलेक्ट करूंगा जो इस नए चलन का फायदा उठा सकती है। आगे बात करते हैं टिप नंबर 4 की, सेक्टर के ट्रेड को पहचानिए। इसमें आप उन सेक्टरों को पहचानने की कोशिश करते हैं जहां पर नए चलन दिखाई पड़ रहे हैं, फिर उन सेक्टर में काम कर रही कंपनियों का पहचानने की कोशिश कीजिए जिनको इस चलन का फायदा मिल सके। एग्जाम्पल के तौर पर हम जानते हैं कि 3 तरह के पेय पदार्थ भारत में ज्यादा बिकते हैं, कॉफी, चाय और बोतल का पानी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले दिनों में एक नया चलन शुरू हुआ है, एनर्जी ड्रिंक का। यह बाजार काफी तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है और इसमें काफी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। अब आप इस सेक्टर की उन कंपनियों को सर्च करने की कोशिश करेंगे जो एनर्जी ड्रिंक कारोबार से जुड़ी हुई है। आगे बात करते हैं टिप नंबर 5 की, खास घटना या खास स्थिति पर नजर रखिए। शेयर आइडिया निकालने का ये एक थोड़ा मुश्किल तरीका है। इसके लिए आपको कंपनियों और कंपनियों से जुड़ी खबरों और कंपनियों की ऐसी घटनाओं पर नजर रखनी पड़ती है जिसमें आगे चलकर कंपनी को फायदा हो सके। आगे बात करते हैं टिप नंबर 6 की, आप अपनी एलिजिबिलिटी का इस्तेमाल करें। ये स्टॉक आइडिया निकालने का वह तरीका है जहां पर आप अपनी नॉलेज का फायदा ले सकते हैं। ये एक नए इन्वेस्टर के लिए सबसे ईजी और ट्रस्टेड तरीका है। एग्जाम्पल के तौर पर आप बैंक में काम करते हैं तो आपको बैंकिंग इंडस्ट्री की अच्छी नॉलेज होगी। आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बैंक ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है और आगे चलकर बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। इसी तरह आप अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके स्टॉक आइडिया निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्टॉक आइडिया कहीं से भी मिल सकता है। आपको जब कोई स्टॉक पसंद आए तो उसको अपनी लिस्ट में शामिल कर और उस पर नज़र रखिए, क्योंकि हो सकता है कि वह स्टॉक उस समय आपकी इन्वेस्टमेंट की शर्तों को पूरा ना कर रहा हो, लेकिन उस पर नजर रखेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में वे इन्वेस्टमेंट की शर्तों को पूरा करे।
आपको ऐसे स्टॉक्स की एक लिस्ट हमेशा अपने पास रखनी चाहिए जिन पर आप नज़र बनाए रखें। तो ये थे इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ टिप्स। आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गेट एक्सेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। गेट एक्सेस आपकी हर क्वेरी को सोल्व करता है। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।